डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। विश्वविद्यालय ने दो दिन पहले ही री एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया था। ऐसे छात्र जो री एग्जाम में फेल हो गए थे उनको एक्स फॉर्म भरना था। विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 13 तारीख यानी कि आज से 18 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे छात्र जो री एग्जाम में फेल थे वो कॉलेज जाकर अपना एक्स का फॉर्म भरवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक्स की परीक्षाओं की बात करें तो एक्स की परीक्षा जो है वो जुलाई के 3rd वीक से शुरू कराई जा सकती है। एक सबसे बड़ी बात, जिन छात्रों ने कॉलेज में पहले ही फीस जमा कर दी है मेन की और उनका रिजल्ट आने के बाद ऐसे छात्र फेल हो गए थे, अब उनको एक्स का फॉर्म भरना है, ऐसे छात्रों की जो फीस थी वो इसी एक्स फॉर्म के साथ समायोजन कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लाइव एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब करें। लाइव एक्सप्रेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा। मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ बच्चे जो भी एग्जाम में फेल हुए हैं उनके लिए क्या विश्वविद्यालय कर रहा है? हाँ, री एग्जाम में जो बच्चे फेल हो गए उनको एक्स के लिए जो बैठाया जाएगा, बहुत जल्दी उनकी परीक्षा कराई जाएंगी। आगे उनको जो भी नियमानुसार मौका दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय के द्वारा उनके अनुरूप। इसके अलावा जो बच्चे फॉर्म भरने से रह गए थे, उनकी परीक्षा 12 तारीख की छूट गई थी, उनके लिए क्या उनको होगा? हाँ, अगर किसी भी बच्चे की परीक्षा छूट गई है किसी भी कारण से, क्योंकि री का एग्जाम थोड़ा लेट आया था और कुछ जो कॉलेजेस जिन्होंने फीस नहीं जमा कराई गई थी, अपनी परीक्षा फीस नहीं जमा कराई थी, उनके प्रवेश पत्र रोके गए थे, तो इस प्रकार के कोई भी छात्र अगर रहते हैं तो छात्र हित में उनको पूरा मौका दिया जाएगा और एक इस तरीके से एक विशेष जो फॉर्म भरवा करके जिस भी बच्चे रह गए हैं उन सब की परीक्षाएं कराई जाएगी।